गुड मॉर्निंग क्लास 11th बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर फिनिश हो चुका था। अब जो थर्ड चैप्टर है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिसको जनरली हम सिंपली बोल देते हैं पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले क्या हुआ था, जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना शुरू हुई होगी, शुरू आपने कम एलिमेंट्स हुए होंगे, अब सपोज कर लो चार एलिमेंट थे, तो हमने उन चारों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लर्न कर ली। जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ने लगा तो उनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न करना बहुत मुश्किल हो गई, तो हमने उनकी ग्रुपिंग करना शुरू कर दी कि जिन सपोज कर लो 6 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक सी हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर 12 एलिमेंट्स की एक सी हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, फिर 10 एलिमेंट्स की एक सी हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया, और एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लर्न कर ली तो हमको सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न हो गई। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों पड़ी, स्टडी को सिस्टमेटिक और सिंपल बनाने के लिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। कई क्लासिफिकेशन हुए छोटे छोटे, वो मैं आपको डायरेक्ट नोट्स भेज दूंगा, आप 9th 10th में पढ़ के आए भी होंगे। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं मेंडलीफ से, जो सबसे लार्ज स्केल पे सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करा था वो साइंटिस्ट मेंडलीफ ने करा था। मेंडलीफ पीरियोडिक, इन्होंने एक रूल दिया था, इस रूल के हिसाब से इन्होंने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल, वो डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक मास पे, या मास नंबर कहें या एटॉमिक मास कहें या एटॉमिक वेट कहें। इन्होंने कहा था एटॉमिक मास वो होता है जो ऊपर लिखा होता है, दिस इज मास नंबर या एटॉमिक मास, और जो बॉटम पे लिखा होता है दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसमें इन्होंने कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि डिपेंड करती हैं, यानी इसमें इन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। फिर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, कम एटॉमिक मास वाला पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, करते करते एक टेबल बनी, उस टेबल को हम नाम देते हैं मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। यानी जो इनका ये रूल था मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, इफ वी अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास देन वी गेट अ टेबल नोन एज मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। बाद में जब स्टडी होना शुरू हो गई तो इस टेबल में ढेर सारी कमियाँ थी, जब ढेर सारे ड्रॉबैक्स निकल के आए तो नई टेबल निकल के आई, वो ड्रॉबैक्स भी हमको पढ़ने हैं, मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एक रूल आया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये बोर ने दिया था, बोर्स पीरियोडिक टेबल भी इसको बोलते हैं। इसमें यह बताया गया था कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, और यही टेबल आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं। हम जो टेबल पढ़ेंगे पीरियोडिक, वो यही होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये टेबल क्या कहती है, सिंपल से एक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वही था, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इफ वी अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन वी गेट अ टेबल नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको हम बोलते हैं ग्रुप्स,
यानी अगर हम ग्रुप्स की डेफिनेशन देंगे तो हम कहेंगे द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, और जो हॉरिजेंटल रो होती हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड्स, द हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, देयर आर 7 पीरियड्स इन दिस टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड हैं। अब अगर हम इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी टेबल तो हम आज नहीं बनाएंगे एक साथ, धीरे धीरे हम उसको लर्न करेंगे। टेबल कैसे आप बनाओगे, पहले आप ये बनाओगे 7 ब्लॉक्स, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर 6 बनाओगे, एक कम कर दोगे, 3, 4 ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 1, 2, 3 फोर्थ वाले को अब आप आगे बढ़ा दोगे। जैसे मैं बना रहा हूँ आप इसी ऑर्डर में बनाओगे कॉपी पे कम से कम 2 से 3 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ग्रुप नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब यहाँ पर 6 बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 and this is 18 अब इनको आगे बढ़ा दो, ये बनी पीरियोडिक टेबल। अब इसमें 18 ग्रुप हैं, दो लेफ्ट से छोड़ दो और दो राइट से, तो 4 कम हो गए, 18 में से बचे 14, ये एक नीचे बॉटम पे दो रो रखी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अब इसको हमको लर्न करना है। यहाँ के जो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इधर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये अभी खाली हैं, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई है। सेकेंड ग्रुप भी याद करना, 10th में भी आपने याद करा होगा, अलग अलग स्टेटमेंट्स टीचर्स लर्न करवाते हैं, जैसे हाय लीना ने की रब से फरियाद, वो आपको लर्न होंगे, आप अपने हिसाब से लर्न कर लीजिए। ये एक है सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, एमएन, एफई, CO, Ni, CU, ZN। मैं आपको बता रहा हूँ इसके एटॉमिक नंबर आप लर्न कर लोगे 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये एटॉमिक नंबर 1 है, उसका हो गया 2, फिर सिक्वेंस वाइज चलोगे 3, 4 यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 5, 6, 7, 8, 9 फिर ये 10 हो गया बच्चों, इसका 11, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर 30, 31, 32, 33, 34, 35 वो हो गया 36, फिर यहाँ पे हो जाएगा 37, 8, 39 अब मैं बीच के फिल नहीं कर रहा हूँ, 48 ये 54 हो गया, इसका 55, इसका 56, इसका 57 ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं 57 आपको बोल रहा हूँ, ये है लेंथिनम, एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 57, इस पे मैंने स्टार लगा दिया। अब 58 वाला यहाँ नहीं आएगा, नीचे आ गया, 14 एलिमेंट हमने यहाँ से निकाल लिए,
58, 59, 60, 61, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 71, फिर यहाँ आएगा 72, 73, करते करते आप चले जाओगे 86 हो गए, फिर यहाँ पे आएगा 87, 88, फिर आप हम दोगे यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो आएगा एटॉमिक नंबर 89 वाला, फिर 90 वाला यहाँ नहीं आएगा, फिर हमने 14 एलिमेंट्स को निकाल के नीचे रखा, क्यों रखा और इनको क्या बोलते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आया 90, 91, करते करते 103, यहाँ जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये कुछ ब्लॉक्स की अभी डिस्कवरी एलिमेंट्स की नहीं हुई है, ये बीच के भी आप सारे फिल कर लोगे। इस फॉर्मेट में ये टेबल बनानी है, धीरे धीरे हम इसके ये ग्रुप्स लर्न करना शुरू कर देंगे, कुछ 11th में लर्न करेंगे और कुछ 12th में, जो 11th के टॉपिक के हैं वो हम 11th में लर्न कर लेंगे और जो 12th के टॉपिक के हैं वो 12th में लर्न कर लेंगे। तो ये एक टेबल बन के आई हमारी, ये जो एलिमेंट्स हैं लैंथनम 57 के बाद के, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं लैंथेनोइड्स, क्योंकि लैंथनम के बाद के हैं, ये एक्टिनम के बाद के हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स। एक्टिनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स, लैंथनम के बाद वाले जो एलिमेंट हैं वो लैंथेनोइड्स। ये हुआ हमारा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन। आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करना है जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ लर्न करना है जो कि एटॉमिक मास पे डिपेंड था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बोर्स पीरियोडिक टेबल भी इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये बहुत लंबी है, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं यानी 18 ग्रुप्स हैं। इनको हम लर्न करेंगे, इनके नाम भी आपको लर्न करने हैं, इनके एटॉमिक नंबर, इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, और ये वन ग्रुप और टू ग्रुप भी लर्न करना है। वन ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ दें, लिथियम से लेके फ्रांसियम तक के जो एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये जो सीरीज है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये मैंने आपको शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताई होगी, इसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। ये वाला जो कॉलम, ये रो आएगी, ये 4D सीरीज आएगी, ये 5D सीरीज आएगी और ये 6D सीरीज आएगी। नीचे में ये जो है लैंथेनोइड्स और नीचे वाला जो है रो वो है एक्टिनोइड्स। लैंथेनोइड्स में 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टिनोइड्स में भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो आप आज के लेक्चर को देखने के बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ याद करोगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करोगे और ये टेबल का इसी फॉर्मेट में बनाओगे, सारे एलिमेंट्स आपको फिल नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉलम बनाने हैं और एटॉमिक नंबर सारे फिल करने हैं, लेकिन सिंबल्स सारे आज नहीं लिखने हैं, वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।